you know, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब हम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपने लिए ना बहुत बड़े टारगेट सेट कर देते हैं कि मैं एक महीने के अंदर 15 किलो लूज करूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाऊंगा, और अगले दिन हम साई सागर की पाव भाजी खा रहे होते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है दैट द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इज टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल हैबिट्स सो दैट आगे जाके ये छोटी हैबिट्स हमें कंपाउंडेड रिजल्ट्स दें. तो आज इस वीडियो में मैं अपनी ही कुछ 7 स्मॉल हैबिट्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ईजी है और कोई भी फॉलो कर सकता है और उसमें कंसिस्टेंट भी रह सकता है. सो द फर्स्ट स्मॉल हैबिट इज टू हैव 1 फ्रूट अ डे. मेरे दिन की शुरुआत यूजुअली बनाना पीनट बटर स्मूदी से होती है. बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एक बनाना डालो, 1 चम्मच पीनट बटर और 1 ग्लास दूध, उसे मिक्सी में घुमा दो और पी जाओ उसको, ठीक है. 1 फ्रूट अ डे से मेरा मतलब था कि कुछ न्यूट्रिशनस खाना है. अब आप खा सकते हो या तो ड्राई फ्रूट्स, या तो म्यूसली, या तो ओटमील, या तो रॉ वेजीज, मैं यूजुअली कैरेट्स प्रेफर करती हूँ. कुछ भी हेल्दी, कुछ भी न्यूट्रिशनस जो आप दिन के शुरुआत में, जो पहला मील अगर आप खा सको तो वो बहुत अच्छा है. डिस्क्लेमर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये बस मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, इसलिए मैंने टाइटल हैव 1 फ्रूट अ डे लिखा था. बट बेसिकली आइडिया ये है कि कुछ न्यूट्रिशनस खाना है दिन की शुरुआत में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्मॉल हैबिट विच इज 1 सेंटेंस जर्नलिंग. सो यूजुअली जर्नल लिखते वक्त लोग या तो जर्नल में ये लिखते हैं कि उन्हें अपना दिन कैसा चाहिए, या फिर ये लिखते हैं कि उनका दिन कैसा गया. तो या तो वो मॉर्निंग जर्नल होती है या तो नाइट जर्नल होती है. तो मैं यूजुअली नाइट जर्नल मेंटेन करती थी जिसमें मैं घर आने के बाद पूरी चीज़ें लिखती थी कि पूरा दिन कैसा गया, क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या चीज़ बुरी हुई, मुझे कैसा लगा, किसकी बात से क्या इफेक्ट हो गया, वगैरह वगैरह. सारे थॉट्स मैं अपने उस पेपर पे निकाल देती थी. अब थॉट्स निकालने के चक्कर में वो कभी पेपर 1 पेज होता था, कभी 2 पेज होते थे, कभी कभी 3 पेज भी हो जाते थे. इस वजह से इस हैबिट को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि नींद आ रही है, अब ये 2 पेज कौन लिखेगा, छोड़ो इससे अच्छा ओवरथिंक करके सो जाते हैं. तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी जिसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला दैट आई विल स्टार्ट राइटिंग जर्नल इन 1 सेंटेंस. तो बेसिकली मुझे सिर्फ हाउ माई डे वॉज, वट आई एम ग्रेटफुल फॉर, या हाउ एम आई फीलिंग दैट डे, इन 3 चीज़ों के बारे में 1-1 सेंटेंस में चीज़ें ख़त्म करनी है. अब ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जो 3 प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए, ऐसे और भी कई सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. बट हाँ, बेसिकली 1 सेंटेंस जर्नल का मतलब यही होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट या कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ होल पेज, यू कैन जस्ट राइट 1 सेंटेंस एंड यू आर डन फॉर द डे. देन द थर्ड स्मॉल हैबिट इज रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस. यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे फीड पे ऐसा कोई कॉन्टेंट आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग इट पास थ्रू, मैं सिर्फ उस पर जाके एक कॉमेंट छोड़ देती हूँ कि भाई ये एक्चुअल में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. दूसरी चीज़, जब मेरी मम्मी कोई खाना बना के मुझे देती है, अब कैसे होता है कि हम, अब उनका तो वो डेली काम है तो हम यूजुअली अप्रिशिएट नहीं करते उनको, बट जिस दिन मुझे वाकई बहुत पसंद आता ना, मैं उन्हें बोलती हूँ कि मम्मी आज का खाना बहुत अच्छा है, या मेरे डैड अगर मेरे लिए कुछ लेकर आ जाते हैं तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ. कोई चीज़ आपके लिए कर रहा है या आपको लगता है कि हाँ आप अप्रिशिएट कर सकते हो, आप किसी और की कॉफ़ी के लिए कुछ पैसे पे कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आप किसी की भी कैसी भी हेल्प कर सकते हो, आई थिंक यू शुड डू इट एंड इट इज़ सच अ स्मॉल हैबिट, या आप कभी भी कर सकते हो, बढ़िया हैबिट है. देन द फोर्थ स्मॉल हैबिट इज़ टू हैव अ टेक फ्री आर, विच मीन्स एक ऐसा घंटा जिसमें एक ऐसा आवर जिसमें आप कोई भी गैजेट यूज़ ना करो. जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो गोल सेटिंग वाली वीडियो में भी बताया था कि डिनर टाइम में मैं यूजुअली फ़ोन वगैरह या लैपटॉप में देख के खाना खाती थी, अभी मैंने वो चेंज कर दिया है. जितने भी 3 मील्स मैं ले रही हूँ आधे आधे घंटे की, तो पूरे दिन का 1.5 आवर वो टाइम मेरा टेक फ्री आवर होता है. ऐसी कोई एक टाइम स्लॉट आपको डिसाइड करना होगा जिसमें आप अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं छुओगे. तो ऐसी कोई टाइम स्लॉट अगर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो, विच कैन बी योर टेक फ्री आवर. देन द फिफ्थ स्मॉल हैबिट इज टू टेक स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एलिवेटर. मैंने लोगों को देखा है कि फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए भी लोग लिफ्ट यूज करते हैं. ठीक है, पर्सनल चॉइस. मैंने ना एक्चुअली अपने लिए थोड़ा एक टारगेट रखा हुआ है कि अगर 6 फ्लोर से नीचे है तो मैं स्टेयर्स ले सकती हूँ, 6 के ऊपर है तो मुझे लिफ्ट चाहिए रहेगी. ठीक है, तो ऐसा कोई एक टारगेट आप अपने लिए भी सेट कर सकते हो. एंड दिस इज जस्ट माय वे ऑफ चूजिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल. देन द सिक्स्थ स्मॉल हैबिट इज टू ड्रिंक इनफ वाटर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर ना एक डॉक्टर की तरह बात करूँ कि ईट 1 फ्रूट एवरी डे, ड्रिंक इनफ वाटर, टेक स्टेयर्स वगैरह वगैरह, बट दीज आर जस्ट माई स्मॉल हैबिट्स. यूजुअली कैसे होता है ना कि पूरे दिन की रिक्वायरमेंट के लिए 8 से 10 ग्लास पानी इज वॉट इज रिकमेंडेड फॉर अस. तो मैंने उसको पूरे दिन में फुलफिल करने के लिए अब एक बहुत ही अजीब सी स्ट्रैटेजी यूज़ किए, विच इज़ अपने पूरे दिन को
तीन तीन घंटे के गैप में डिवाइड कर दो, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर 9 से 12 रात का टाइम, ठीक है। अब इस पूरे तीन तीन घंटे के बीच में एक एक बॉटल पानी मुझे पीना है। अभी यूजुअली ये जो बॉटल है मैं इसे हमेशा अपने पास से रखती हूँ, चाहे मैं बाहर भी ट्रैवल कर रही हूँ मैं इसको लेके जाती हूँ। इस एक बॉटल में 2.5 ग्लास पानी आता है, ठीक है। तो ये 2.5 ग्लास ये पूरे तीन तीन घंटे के गैप में अगर तुम देखोगे तो 8 से 10 ग्लास पानी मैं पी लेती हूँ। तो दिस इज माय वे ऑफ कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ ड्रिंकिंग इनफ वाटर। इनफ वाटर के फायदे बहुत हैं, आई नो वॉशरूम ज़्यादा आता है बट हाँ, मतलब क्लियर स्किन भी होती है यार। फिलहाल नहीं है मेरी क्योंकि मैंने शायद पानी नहीं पिया होगा, बट येस इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड अ स्मॉल हैबिट। हाँ, देन द लास्ट स्मॉल हैबिट इज़ टू हैव अ मंथली एक्टिविटी। अब ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि यू नो हर महीने मैं एक बुक रीड करूँगी, या मेरा एक फेवरेट कैफ़े है यहाँ पे, हर महीने मैं उसे एक बार तो विजिट करूँगी, या हर महीने मैं अपने लिए कुछ ना कुछ खाना बनाऊँगी, या हर महीने मैं टेंपल विजिट करूँगी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, जितने भी बार हो गया, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम वो मंथली एक्टिविटी को सेट कर सकते हैं। अभी मेरे केस में मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ की है कि हर महीने मैं कोई एक स्किल सीखूंगी, और ड्रम सीख लिए है, स्टैंड अप कॉमेडी सीख लिए है, अभी डांस सीख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी एक बार जाके देख लो, वो पूरी सीरीज बन रही है उस चीज़ को, और मैं बस उसे डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, मैं स्किल भी सीख रही हूँ और उसे डॉक्यूमेंट भी कर रही हूँ। सो या आई मीन दिस इज माई मंथली एक्टिविटी, यू कैन हैव योर ओन मंथली एक्टिविटी। और सबसे छोटी हैबिट रखनी है तुम्हें उसमें भी, जो तुम एक्चुअल में अचीव कर पाओ। जैसे मैंने बोला ना कि महीने में एक बार टेंपल जाना, तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई भी टेंपल है, तुम्हारी एक हैबिट हो सकती है कि एवरी संडे मैं जाऊंगा, या एवरी मंडे जाऊंगा, या एंड ऑफ द मंथ जाऊंगा, कोई भी एक हैबिट हो तुम अडॉप्ट कर सकते हो। सो या दीज वर माई 7 टाइनी हैबिट्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपने मंथली या डेली रूटीन में। आप मुझे बताओ कि इन 7 में से आपको कौन से पसंद आए, या आप इनमें से कौन से हैबिट को इनकॉर्पोरेट करोगे और कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट सेक्शन इज द ओनली वे वेर इन आई कैन इंटरेक्ट विद यू गाइस, तो प्लीज डू लीव अ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप और ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम। सो या आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसी टॉपिक से रिलेटेड, हैबिट वाली वीडियो से रिलेटेड मैंने गोल सेटिंग वाला वीडियो या डिसीजन मेकिंग वाला वीडियो भी बनाया है, सो डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। एंड या आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे, स्टे ट्यून, सी यू सून।